इज्जत जो आज मेरे पापा ने मेरी नजर में खो दी। अब नहीं रहे वो मेरे हीरो, सब टूट गया है, मेरी आई का घर भी और मेरे पापा से जुड़ा मेरा भ्रम भी। मेरा भाई हमेशा कहता था कि हर रिश्ते की ना एक उम्र होती है और जब वो उम्र जी लेता है तो वो मर जाता है, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे तो लगता है हर रिश्ते को मारा जाता है, हर रिश्ता धोखे की मौत मरता है, जैसा मेरी आई के साथ हुआ। मेरी आई और मेरे पापा का रिश्ता इसलिए नहीं टूटा कि उनके काम की वजह से या मेरी आई उनके जैसा बन नहीं पाई, बल्कि इसलिए टूटा कि मेरे पापा बदल गए, उनकी बेवफाई। मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। कहां एक समय था जब मैं पापा की टीम में थी, आई से लड़ जाती थी अपने पापा के लिए कि तू उनको फॉलो कर, ही नोज बेटर, वो उनके जैसा बन। कैसे आंख मिलाऊंगी मैं अपनी आई से, क्या बोलूंगी आई को। और मैं ना मेरी आई को बहुत अच्छे से जानती, उसको बहुत फिकर है कि लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। जब हम समाज से सवाल करते हैं तो समाज भी तो हमसे जवाब मांगेगा ना, तो यही सोच के बस वो चुप है, कुछ नहीं कहना चाहती। बस मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं अपनी आई के सामने खड़े होकर ये बोल सकूं कि आई आज से मैं तेरी परछाई, आज से मैं तेरी टीम में, आज से मैं तेरी बेटी अमृता भवानी चिंटूस, और मरते दम तक इसी नाम से जीऊंगी। नहीं चाहिए मुझे पापा का नाम, आज से मैं तेरी टीम में आई, टीम आई।